गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मेरी सुबह की शुरुआत चाय के साथ हो रही है और चाय मेरी उबल रही है। मॉर्निंग टी मुझे बहुत पसंद है। और चलिए पहले चाय पीते हैं। चाय रेडी कर देती हूँ मैं। और आज खाने में मैं बनाने वाली हूँ पाव भाजी। उसके लिए मैंने वटारा भिगा दिया है और पाव भी ले लिए हैं। तो चलिए, मॉर्निंग हो गई है और आपके लिए गुड़ी गुड़ी मॉर्निंग। चलिए मिलते हैं थोड़ी सी देर में, चाय पी लेते हैं, कुछ नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद मिलती हूँ मैं आपको। तो गुड मॉर्निंग गाइस, और आपको अच्छी वाली सुबह मुबारक हो। और चलिए, सुबह हो गई है और मॉर्निंग में मेरा काम है एक एक राउंड मेरे गार्डन में घूमना। तो थोड़ा सा गार्डन में घूम लेती हूँ मैं। और सबसे पहले मैं जाऊंगी मोटर में, अरे पानी आया है कि नहीं वो देखने के लिए। और ये है मेरा तुलसी वृंदावन। तो पानी आया है कि नहीं वो देखने जाऊंगी मैं। गाड़ी को मैंने कल इस साइड पार्क कर दिया था क्योंकि बारिश आएगी तो यहाँ पे थोड़ा सा शेड है, तो गाड़ी को यहाँ पार्क कर दिया था। और चलिए पानी आया है कि नहीं देख लेते हैं टंकी में। तो पानी आ रहा है, देखिए आवाज आ रहा है, पानी भर रहा है। तो गाइस, ये है मेरा कड़ी पत्ते का झाड़ और बहुत 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 ऊपर तक पहुंचा है ये। देखिए वो भी हाँ बोल रहा है आपको। तो गाइज, इतनी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि न पूछो बात। बहुत अच्छा लग रहा है मॉर्निंग में। तो गाइज, अब चलते हैं, मोटर चालू कर देते हैं ताकि पानी ऊपर चढ़ जाए। ये मैं पाव भाजी की भाजी बना रही हूँ। जैसे आप जानते ही हो मैं डायरेक्ट सब कुछ करती हूँ, तो मैंने सब इसमें एक साथ डाल दिया है, मसाले भी डाल दिए हैं। अब इसमें पानी डाल के मैं कुकर की सीटी लगा लूँगी तो मेरी पाव भाजी रेडी हो जाएगी। फिर मैं उसको मैश कर डालूँगी। अभी मैं घर पे हूँ तो सारा रेशनिंग में चल रहा है क्योंकि सामान लेने मुझे बाहर जाना अलाउ नहीं है। मेरी बेटी मुझे बाहर नहीं जाने दे रही है। तो ठीक है, जो घर में है उसी से मैं काम चला रही हूँ। तो चलिए, जो जो घर में है और दूध वाला और पाव वाला आ जाता है तो उससे पाव ले लेती हूँ तो मेरा काम हो जाता है। वैसे तो सब कुछ चल जाएगा, हाँ, पर शक्कर कम पड़ेगी शायद, लगता है ऐसा। तेल भी मैं बहुत संभाल के चला रही हूँ, तेल ऑलरेडी मेरे पास एक पैकेट पड़ा हुआ है। तो देखते हैं, 15 दिन निकालना है तो चलिए 15 दिन में पार्लर पर नहीं जाने वाली हूँ। पार्लर पर लड़कियाँ हैं और वो लोग अच्छे से संभाल रही है, अच्छे से हैंडल कर रही है। तो 15 दिन मुझे घर पर ही निकालना है और बच्चों का एग्ज़ाम है 15 दिन के बाद। तो फिर उसके बाद तो सब कुछ चंगा चंगा। गाइस, रोज पार्लर जाती हूँ ना तो इतने जल्दी काम हो जाता है और आज घर पे हूँ तो काम, आजकल घर पे रहती हूँ तो काम ही नहीं हो पाता है, बहुत टाइम हो जाता है। और मेरे आंगन के बाहर नारियल का झाड़ है, तो आंगन के बाहर है इसलिए ना नारियल हमेशा दूसरे लोग ही ले जाते हैं, कभी मुझे मिलते नहीं थे। तो लकीली अब मैं घर पे हूँ तो मुझे मिलने लगे हैं नारियल। आज मैंने 2 नारियल मुझे मिले। और गाइस, एक गुड न्यूज़ ये है कि मेरा मुझे स्टोरी मिल गया है, स्टोरी डालने को। ये सब आप लोगों की वजह से हुआ है क्योंकि आप लोग ने मुझे इतना प्यार दिया, इतने सब्सक्राइबर बढ़े तो आप लोगों की वजह से हुआ है। तो मुझे, मैं अब स्टोरी डाल सकूंगी और आज मैं बहुत अच्छी स्टोरी बनाऊंगी, फर्स्ट स्टोरी में डालूंगी। ओके, मैं यूज़ कर रही हूँ कैमरे की लेंस। ओके, मिरर की जगह मैं अपने आप को यूज़ कर रही हूँ। तो गाइस चलिए, रेडी हो गई हूँ अभी मैं। थोड़ा सा लिप्स पे पॉन्ड्स क्रीम लगा लेती हूँ।
और आज बनाने वाली हूँ खाने में पाव भाजी। बनाया है भाजी तो मैंने बता दिया आपको कैसे बनाया, पाव तल के अब खाएंगे खाना। कब से मैं थोड़ा आंगन साफ किया और नीचे का पूरा साफ किया, और जो मेरा किचन का सिंक है ना गाइस, तो उसका पानी ना, उसका नीचे का जो ड्रेनेज है उसमें वो जाली लगा है, और जाली का पाइप है ना बाहर निकल गया था, तो वो पाइप बाहर निकल गया तो सारा पानी बाहर आ जाता था, और उसमें इतना बड़ा होल है तो मुझे डर भी लगता है कुछ कीड़े वीड़े ना आ जाए, तो मैं उस पर कटोरी ढक के रखती थी। रोज का मेरा वो काम रहता था, मॉर्निंग में अगर मैं किचन में जाऊँ तो पहले कटोरी हटाऊँ और फिर काम हो जाए तो फिर से वो कटोरी से ढकूँ उसको। वो काम बहुत बढ़ गया था तो मैंने आज उसको रिपेयर कर लिया है घर पे ही। मेरे पास वाइट सीमेंट थी तो मैंने उसको घर पे ही रिपेयर कर लिया, सीमेंट से वो फिक्स कर दिया और वो वायर जो उसके होल में बराबर से प्रॉपरली बिठा दिया। तो गाइज एक मेरा बड़ा काम हो गया। बाकी मैं आज एक साल से इतना परेशान हो रही थी ना उसके पीछे के ना पूछो बात। और गाइज एक और बात, जो कुर्तियां मुझे नहीं आ रही थी ना वो सारी कुर्तियां मुझे अब आने लगी है। सारी कुर्तियां जो नहीं आ रही थी वो सब आने लगी है। देखिए गाइस बारिश शुरू हो गई है, बहुत हवा चल रही है, देखिए पूरी हवा चल रही है खूब। और आपको दिखा दूं, देखिए कितनी हवा चल रही है और बारिश आ रही है, थोड़ी थोड़ी बारिश आ रही है, ज्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी आ रही है, थोड़ी देर में आएगी जोरों से, जोरों की बारिश आएगी। तो गाइस अब हो रही है खूब जोरों की बारिश, देखिए खूब जोरों की बारिश हो रही है। बारिश में तो बच्चे लोग का खेल के हो गया है और बारिश अब रुक गई है। और ये है मेरी पाव भाजी जो मैं अभी लंच कर लूँगी, और पार्लर पे तो धमाल मची हुई है कोई पार्लर संभालने को ही तैयार नहीं है, निकिता बेचारी अकेली परेशान हो रही है। देखिए क्या कर सकती हूँ अब आगे, में देखती हूँ क्या क्या होगा। तो चलिए गाइस मैं पहले खाना खा लेती हूँ, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, रहा नहीं जा रहा है मुझे अब। जी हाँ, थोड़ा सा बारिश गिरा और इतना पानी भर गया है, देखिए। खाना वाना खा चुकी हूँ, थोड़ी देर के लिए लाइव गई थी 10 मिनट के लिए, पर लाइव में कोई इतना ज़्यादा ज्वाइन नहीं हो रहा है क्योंकि उनको सबको चाहिए डेमो पार्लर पे, लेकिन डेमो पार्लर तो जा नहीं रही हूँ तो डेमो कैसे होगा। तो गाइस देखिए सब इस तरह से वातावरण हुआ है, ठंडा ठंडा इतना अच्छा लग रहा है ना कि पूछो मत। मैंने इतने बरसों में घर का व्यू मैंने कभी नहीं एंजॉय किया था। तो देखिए एटमॉस्फेयर कितना अच्छा हो गया है, सारे प्लांट्स भी, ग्रीनरी, और अच्छा लग रहा है। घर के अंदर भी लाइट नहीं है, अंदर जाके भी क्या करूं, और बोर हो रही हूँ पूरी तरह से, और लाइट आ जाए बस, क्योंकि यहाँ तो कभी कभी 12 12 घंटे लाइट चली जाती है, और अभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे हम लाइट जाना, क्योंकि लाइट तो चाहिए, इन्वर्टर कितनी देर तक चलेगा। और बताइए गाइस, घर पे तो एक ऐसा लग रहा है जेल जैसी सजा मिल गई है घर पे हूँ तो, और घर पे ही सब सामान में से कुछ ना कुछ चला रही हूँ। देखते हैं अब थोड़ा बहुत कुछ मंगाना है तो बाहर से ऑनलाइन मंगाना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है, तो देखती हूँ कैसे क्या हो रहा है। अभी तो चल रहा है पार्लर पे तो पूरी उथल पुथल मची हुई है, और कितने दिन चलता है कितने दिन नहीं वो देखना पड़ेगा। जरा से मैं कितना टेंशन आ जाता है गाइस देखिए ना, पर निकिता अच्छे से संभाल रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। निकिता अच्छे से मेरा पार्लर संभाल रही है और उसे एक अच्छी प्रैक्टिस भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तो गाइस अब चलिए मैं चलती हूँ अंदर, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे फिर से टी टाइम में। ओके गाइस, रात हो गई है और ये मैं डोसा बना रही हूँ और इतना फर्मेंट हो गया है ना आटा कल का, बहुत मस्त है। तो डोसा इतना अच्छा आ रहा है ना, शेप पे मत जाइए गाइस, उसका जो उसमें वो जाली पड़ रही है ना, बहुत अच्छी पड़ रही है। देखिए बहुत मस्त डोसा तैयार हो रहा है। आलू की सब्जी बनाई है सेम डोसे के साथ खाने के लिए, ऑनियन और आलू और जीरे का बघार है, राई का, कड़ी पत्ते का और ये मेरा डोसा। तो चलिए गाइस खाना खाने आ जाइए। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो कल तो रात को डोसा बनाया और फिर सो गए खाके, और तो भी सोने में हमें 1 बज गया था। तो बस अभी किचन में बहुत पसारा पड़ा है और सुबह की तैयारी कर रही हूँ, चाय वाय हमने पी लिया है और बात नहीं कर पाई मैं रात को आपसे, थोड़ी बहुत तो सब लगा रहता है, टेंशन भी लगा रहता है गाइस। तो अब मैं खड़ी हूँ मेरे किचन में और आज कुछ नया नया करने की कोशिश करेंगे, चलो खाने में क्या बनाते हैं। सुबह की शुरुआत तो हो गई है अच्छी सी बारिश से, और बारिश आई तो बारिश में बहुत अच्छा लगा और अब थोड़ी सी धूप निकली है तो अच्छा लग रहा है गाइस। और चलिए अब मैं थोड़ा काम निपटा लेती हूँ, जैसे आप देख ही रहे हो इतना पसारा पड़ा हुआ है। थोड़ा सा चाय अभी और पी लेती हूँ, सेकेंड टाइम की चाय, और उसके बाद आगे का काम का स्टार्ट करूंगी। पार्लर पे सारे स्टूडेंट भाग गए हैं, कोई भी नहीं आ रहा है सिवाय निकिता के, और कल प्रतीक्षा आई थी। तो देखते हैं अब कैसे क्या चल रहा है, कैसे क्या चलाऊंगी मैं, इतने दिन समझ में नहीं आ रहा है मेरे। और बस एक्चुअल में मेरी गलती की वजह से ही ये सब हुआ, अदरवाइज ऐसा होता नहीं। उस दिन मैं घर पे आके डीमार्ट गई थी और घर पे आके अतिथि को बोला कि रात को ना मैं रॉन्ग रास्ते से चली गई थी और मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, बस उस दिन से वो थोड़ा सा डर गई थी। तो उसकी वजह से वो मुझे जाने नहीं दे रही है कि मम्मी कहीं भूले पड़ गई और मम्मी घर नहीं आई। तो एक्सीडेंट के बाद उसको ऐसा थोड़ा सा डर बैठ गया, नहीं तो इतने साल से तो मैं जा रही हूँ आ रही हूँ सब कुछ कर रही हूँ, तो बस वो बोल रही है कि मेरे एग्जाम के बाद ही आप बाहर निकलना। तो गाइस ये सब चल रहा है, अब मैं पीछे जाऊंगी मोटर चालू करनी है तो देखूंगी पानी कितना आया है कितना नहीं आया है, और कैमरे का सेटिंग भी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे रखूँ क्या करूँ। तो यही सब चल रहा है गाइस, तो चलिए चाय बना लेते हैं। तो थोड़ी सी चाय पीऊंगी गाइस अभी मैं, एकदम थोड़ी सी, और देखते हैं मैं क्या बनाती हूँ। मैं शायद मैं सोच रही हूँ कि मूंग की दाल बनाऊं और रोटी बनाऊं, अब देखते हैं क्या कर सकती हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ पर मैं शायद तो भजिए वाली कढ़ी भी बना सकती हूँ, आइडिया सच में मैं अब बनाऊंगी भजिए वाली कढ़ी और रोटी। वाह मस्त, मुझे याद आ गया कि मुझे क्या बनाना चाहिए और वो टेस्टी भी लगेगा, बारिश में जरा सा कढ़ी अच्छा लगता है। तो गाइस मैं अभी कढ़ी बनाऊंगी और वो आपके साथ शेयर करूंगी। ओके उसके पहले मैं सारे छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ, सबसे पहले तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद मेरे जो बर्तन घसने के बर्तन घसना है और थोड़ा साफ सफाई का काम है, कपड़े धोने हैं तो वो सब निपटा लेती हूँ। घर पे हूँ तो थोड़ा सा आंगन में भी मैं साफ सफाई कर देती हूँ। मुझे थोड़े से मैंने बीज जमा किए हैं, ये देखिए मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे मैंने सब बीज जमा किए हैं। इसमें इसमें क्या क्या है मुझे भी पता नहीं है, बहुत सारे फ्लावर्स के और कुछ 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 मौसम्बी के, ये सारे बीज मैंने, नींबू के ये सारे बीज मैंने जमा किए हैं। तो ये बीज अभी मैं सब उगा दूंगी, चाय मेरी गर्म हो गई है, ये सारे बीज ना मैं उगा दूंगी। इलायची भी मैंने रखी है उसमें, इलायची भी उगाऊंगी, देखिए इलायची भी रखी है, और देखते हैं बोर का भी है ये और मौसम्बी के भी है, करेले के भी है, ये सब बारिश आई है तो मैं सारा कुछ उगा दूंगी। अभी ये तुअर के दाने हैं गाइस, तुअर तुअर जब उगती है ना
तो बहुत मस्त लगती है। तुअर उग जाती है ना जब, तो उसमें तुअर की सिंग आती है, फली आती है, तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो देखते हैं ये सारा, मैं अभी आज जाके पहले उगाती हूँ, बाद में सब काम करूंगी। फिर से बारिश आने लगी है थोड़ी थोड़ी, और अच्छा लग रहा है। सुबह की ठंडी हवा बहुत अच्छी लग रही है, और सारा ग्रीनरी ग्रीनरी हो गया है, तो इतना अच्छा लग रहा है देखने को, पूरा ग्रीनरी हो गया है। और तो देखिए बारिश थोड़ी थोड़ी आ रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दूध वाले से खारी और दूध ले लिया है, दूध में बहुत ज़्यादा स्टोर करके रख देती हूँ आजकल, और खारी भी ले ली मैंने, सोचा चलो टेस्ट करते हैं, थोड़ा सा चेंजेस, घर में रह रहे तो कुछ ना कुछ अटर सटर तो खाते ही रहते हैं, जो भी आ जाता है दरवाजे पे वो ले लेना चाहिए, इमरजेंसी में ये सब ही काम आता है। तो मैं थोड़ी बहुत स्प्राउटेड भिगा के रख दे रही हूँ, ये है मटकी और ये है वाल, ये भिगा के रख दूंगी तो उसमें अच्छे से स्प्राउट्स आ जाएंगे, तो मेरे लिए अच्छा इजी पड़ जाएगा, और स्प्राउट्स आने के बाद मैं फ्रिज में रख दूंगी और तो मेरे लिए इजी पड़ जाएगा, सब्जी कभी भी सोचा क्या भी निकाल के बना सकती हूँ, और वाल मुझे बहुत पसंद है और अतिथि को भी बहुत पसंद है। तो चलिए दो में इसको पानी डाल के भिगा के रख देती हूँ। मैं बहुत सी लेडीज लोग को देखती हूँ, वो लोग ना ये स्प्राउटेड भी भाजी वाले के पास से लेते हैं। अरे यार घर पे भिगाओ ना, वो कितना, वो भाजी वाले लोग कैसा गंदा पानी यूज करते होंगे भिगाने के लिए पता नहीं, तो इसलिए आप लोग घर पे भिगा दीजिए 2-3 दिन से। और हमें करना क्या है, ऐसे पानी डाल के रख देना है और फिर धो के वापस से उसे बांध के, या ऐसे ही रख दो ढक के, गर्मी बहुत होती है तो ऐसे ही हो जाता है वो तो अच्छे से। तो चलिए गाइस मैं अपना काम शुरू कर देती हूँ। इस बीच में ना मैं थोड़ी थोड़ी देर ऊपर जाके देखती रहती हूँ कि अतिथि क्या कर रही है, मुझे थोड़ा सा डर लगता है। तो बस मैं उसका आवाज़ सुन लेती हूँ, वो पढ़ रही है और मुझे चैन आ जाता है। तो गाइस मॉर्निंग में फेस कैसा रहता है ना, पूरा सा एकदम सा आंखें सूजी सूजी और कैसा कैसा। तो चलिए गाइस ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपको थोड़े से मेकअप के साथ नेक्स्ट व्लॉग में। ओके तो चलिए बाय बाय। अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिएगा।